सनसनी ऑफ इंडिया। पैरोल पर जेल से बाहर आए गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया ने विरोधी गैंग से बदला लेने के लिए अपने दो साथियों के साथ बंदूक की नोक पर दिल्ली कैंट इलाके से फॉर्च्यूनर कार लूटी थी। जेल में हिरासत के दौरान विरोधी गैंगस्टर रोहित चौधरी के इशारे पर कुणाल बच्चा के मुकदमेवार टक्कल ने गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया के चेहरे पर ब्लेड से हमला कर दिया था। हमला करने वाला टक्कल भी इस समय जमानत पर बाहर था। गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर बदला लेने की योजना बनाई और इसके लिए फॉर्च्यूनर कार लूटी। इससे पहले कि इलाके में गैंगवार होता, एसीपी उमेश वर्धवाल की सुपरविजन व इंस्पेक्टर राकेश शर्मा के नेतृत्व में आर के पुरम एनडीआर क्राइम ब्रांच की टीम ने पूरे मामले का भंडाफोड़ कर एक आरोपी को दबोच लिया। आरोपी की पहचान खानपुर जेजे कॉलोनी निवासी 24 वर्षीय सौरभ के रूप में हुई है। बाकी फरार दो आरोपी गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया व प्रकाश को दबोचने के लिए क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। रविंद्र सिंह यादव स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम ने बताया कि दिनांक 29 अक्टूबर 2022 की सुबह थाना दिल्ली कैंट में मेरठ निवासी राहुल ने बंदूक की नोक पर फॉर्च्यूनर कार लूट की शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता राहुल ने बताया वो ड्राइवर की नौकरी करता है और अपने मालिक को आईजीआई हवाई अड्डे पर छोड़ने के लिए दिल्ली आया था। आईजीआई हवाई अड्डे पर अपने मालिक को छोड़ने के बाद मेरठ वापस लौटते समय उसने आरटीआर फ्लाईओवर के पास मिनी 24/7 आउटलेट पर फॉर्च्यूनर कार को रोका। तभी बाइक सवार तीन लोगों ने बंदूक की नोक पर उससे फॉर्च्यूनर कार लूट ली। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। इस घटना का वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हुआ था। वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा था कि कार सवार राहुल अपनी फॉर्च्यूनर को 24/7 आउटलेट के पास रोकता है। तभी वहां पर एक बाइक पर तीन युवक आते हैं। उनमें से एक युवक पहले 24/7 आउटलेट की तरफ बढ़ता है, लेकिन वह अचानक मुड़कर फॉर्च्यूनर कार की ओर बढ़ता है और बंदूक निकालकर राहुल को डराने धमकाने लगता है। इसी दौरान दो अन्य बंदूकधारी भी उसके पास आते हैं। बदमाशों से बहस करते हुए राहुल धीरे धीरे 24/7 आउटलेट की ओर बढ़ता है। साथ ही लाल रंग के कपड़े पहना हुआ शख्स भी उसके पीछे पीछे आता है। वीडियो में नजर आ रहा है कि बदमाश हवा में पिस्टल भी लहराता है और डराने के इरादे से पिस्टल से फायर भी करता है। फायर करने के बाद वह पीड़ित राहुल से गाड़ी की चाबी छीन लेता है। डर के मारे पीड़ित राहुल 24/7 आउटलेट पर शांत खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद तीनों बदमाश राहुल की फॉर्च्यूनर कार लेकर वहां से भाग खड़े होते हैं। बदमाशों ने इस पूरी घटना को महज 2 मिनट में अंजाम दिया था। वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई थी। पीड़ित की शिकायत पर दिल्ली कैंट थाने में एफआईआर नंबर 374/22 धारा 397/34 और 25/27/59 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज से मिली आरोपी की फोटो के प्रिंट निकालकर काफी खोजने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों का कोई सुराग नहीं लग रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए रविंद्र सिंह यादव स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम ने क्राइम ब्रांच एनडीआरआर के पुरम को मामले को सुलझाने का काम सौंपा। इसके लिए डीसीपी क्राइम अमित गोयल ने उमेश बर्थवाल, एसीपी के सुपरविजन व इंस्पेक्टर राकेश कुमार के नेतृत्व में एसआई गौतम, एएसआई अशोक कुमार, विकास कुमार, हेड कांस्टेबल सूर्यदेव, इरशाद नाहनजी व राहुल की एक टीम का गठन किया। टास्क मिलते ही इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने सबसे पहले क्राइम सीन से मिले सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से खंगाला। क्राइम ब्रांच की एक टीम सेम मोडस ऑपरेंडी से वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों का डाटा स्कैन करने में लगी हुई थी। फॉर्च्यूनर कार लूटकर जिस रूट से बदमाशों के भागने की आशंका थी, जांच टीम ने उस रूट पर पड़ने वाले सभी कॉर्नर्स, मल्टीपल टर्न्स, मकानों, दुकानों, बस स्टॉप और रेड लाइट पर लगे सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला। इंस्पेक्टर राकेश कुमार के नेतृत्व में क्राइम टीम सीसीटीवी कैमरा और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से तीनों संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करने में सफल हो गई। तीनों संदिग्धों की पहचान गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया, प्रकाश व सौरभ के रूप में हुई। टीम को पता चला कि तीन संदिग्धों में से एक सौरभ नाम का बदमाश खानपुर इलाके में कहीं छुपा हुआ है। टीम के हेड कांस्टेबल सूर्यदेव का दक्षिण दिल्ली में मुखबिरों का बड़ा तगड़ा नेटवर्क है। हेड कांस्टेबल सूर्यदेव ने मुखबिरों की मदद से संदिग्ध सौरभ के बारे में जानकारी जुटाई। इन्फॉर्मेशन कंफर्म होते ही टीम ने खानपुर जेजे कॉलोनी में छापा मार संदिग्ध 24 वर्षीय सौरभ पुत्र निरंजन को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी ने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। कम समय में ज्यादा पैसा कमाकर चमक दमक की जिंदगी जीने के लालच में बुरी संगत में पड़ गया था। कड़ी पूछताछ के दौरान आरोपी सौरभ ने खुलासा किया कि वह प्रिंस तेवतिया गैंग का सदस्य है। प्रिंस तेवतिया एक गैंगस्टर है जिसकी आया नगर के गैंगस्टर रोहित चौधरी से दुश्मनी है। गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया 1 महीने की पैरोल पर जेल से बाहर आया था और उसे 27 अक्टूबर को जेल में सरेंडर करना था।
इसी दौरान तेवतिया को पता चला कि गैंगस्टर रोहित चौधरी गैंग से जुड़ा टक्कल नाम का बदमाश जमानत पर बाहर आया हुआ है। टक्कल ने अपने मुकदमेवार कुणाल बच्चा के कहने पर हिरासत में 30,000 कोर्ट पैसे के दौरान खारजे में तेवतिया पर ब्लेड से हमला किया था। गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया ने गैंग के सदस्यों प्रकाश, भानु, हनी रावत, राका उर्फ राकेश के साथ मिलकर टक्कल से बदला लेने की योजना बनाई। योजना के तहत हनी रावत ने चोरी की बाइक का इंतजाम किया और बाइक को गुरुग्राम के होटल में ले आया। 28-29 अक्टूबर की दरमियानी रात प्रिंस तेवतिया, भानु, प्रकाश और हनी रावत ने मिलकर गुरुग्राम के एक होटल में शराब पी। योजना को अंजाम देने व वारदात करके भागने के लिए तेवतिया को एक कार की आवश्यकता थी। खानपुर निवासी हनी रावत चोरी की जो मोटरसाइकिल लाया था उस पर सवार होकर प्रिंस तेवतिया, प्रकाश और सौरभ कार लूटने के इरादे से दिल्ली कैंट पहुंचे। आरोपी सौरभ मोटरसाइकिल चला रहा था, रास्ते में 24/7 आउटलेट पड़ा। आउटलेट के पास प्रिंस ने फॉर्च्यूनर कार देखी। प्रिंस और प्रकाश ने कार चालक को पिस्टल से धमकाया और फायरिंग की। उन्होंने ड्राइवर से फॉर्च्यूनर कार की चाबी लूट ली और तीनों लूटी गई फॉर्च्यूनर कार लेकर भाग गए। डकैती के बाद इन्होंने गांव काकरोला में कार खड़ी कर खुद को अंडरग्राउंड कर लिया था। हम आपको बता दें कि गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया व गैंगस्टर रोहित चौधरी कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन इलाके में अपना अपना वर्चस्व जमाने के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन गए। द्वारका पुलिस मुठभेड़ में प्रिंस तेवतिया के पैर में गोली लग गई थी। जेल ओपीडी में इलाज के दौरान तेवतिया के बेहोशी की हालत में गैंगस्टर रोहित चौधरी के इशारे पर इरफान नामक बदमाश ने तेवतिया के चेहरे पर ब्लेड से हमला कर दिया था। इस काम के लिए गैंगस्टर रोहित चौधरी ने इरफान को 10,00,000 रुपए दिए और उसकी पत्नी व बच्चों का ध्यान रखने का वादा किया। फिलहाल इरफान मंडोली जेल 11 नंबर में बंद है। मौका मिलते ही गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया ने बदला लेने के लिए रोहित चौधरी गैंग से जुड़े 10 नंबर दक्षिणपुरी इलाके में रहने वाले राजू और बंटी पर ब्लेड से हमला कर दिया था। रोहित चौधरी गैंग से ही जुड़े त्रिलोकपुरी का रहने वाला कुणाल बच्चा के राजू और बंटी खास दोस्त है। राजू और बंटी का बदला लेने के लिए कुणाल बच्चा ने अपने मुकदमेवार टक्कल से गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया पर हिरासत के दौरान ब्लेड से हमला करवा दिया था। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया। कहीं डर तो कहीं दर्द। कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या। कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया।